रोहतास में बिजली बिल की अनियमितता शिकायत के बाद भी सुधार न होने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले लोजपा के प्रदेश महासचिव पूर्व जिला परिषद सदस्य रविशंकर सिंह के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस ने नोखा थाना के पास शुरू हुआ और काली मंदिर बस स्टैंड पर जाकर समाप्त किया गया। उपस्थित लोजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने हाथ में तख्ती लिए हुए कई नारे लगा रहे थे। विभिन्न नारों में यह किया कि बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, बिजली बिल सुधार करो, नोखा के जेई मुर्दाबाद, बिजली के कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी सहित कई नारे लगा रहे थे। रविशंकर सिंह ने बताया कि बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए नोखा में काउंटर खोलने, बिजली बिल सुधार करें, नजायज बिजली बिल को सुधार करें, बिजली बिल ज्यादा दी जा रही है इसे सुधार करने, जाँच के नाम पर जेई की मनमानी का आरोप लगाया गया। मशाल जुलूस में लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष रामजी पासवान, प्रधान महासचिव जनेश्वर पासवान, प्रदेश महासचिव रोहतास कैमूर, प्रभारी चुनमुन चुनचुन पासवान, सुनील कुमार सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि नोखा के जो बिजली बिल सुधार करे। आज आप मशाल जुलूस निकाले हैं? आज हम लोग मशाल जुलूस से हम लोग नोखा के बिजली के सुधार की मांग कर रहे हैं। अगर इधर नहीं हुआ तो बिजली बिल के जेई को नहीं, बिजली बिल को भी घेरने का काम करेंगे हम लोग। मशाल जुलूस कहाँ अंत करिएगा? बस स्टैंड करेंगे हम। मशाल जुलूस निकाले हैं, क्या कहिएगा? आज ये मशाल जुलूस बिजली विभाग के विरोध में हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही हम लोग निकाले हैं। नोखा में बिजली बिल जो नजायज है उसको सुधार करो और नोखा में बिजली का सुधार का काउंटर खोलो, नहीं खुलता है तो हम इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के साथ।